स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए व्लॉग में। आज आज जाऊँ सामने घर में नकुन बोलती है हिलिसार कौन बोलती है ना उसकी ठीक है। तो आज सुबह सुबह मैं तैयार हो गई हूँ, परवीन जी भी तैयार है और अब भी हम दोनों जा रहे हैं मेरे मायके। चलो आपको भी लेके चलते हैं। आपसे बताइए अब मैं जाऊँ तो जाके मामा आ गया अपना गान वो थंबनेल पे रे पार्ट जैसा क्यों मिस बेर पार्ट जान दे थंबनेल पे सबने बेर पार्ट जाओ बेर पार्ट दे बताओ क्यों चलो आ गया आपका सस्पेंस बना के रखना चाहते और तो अभी बाकी बातें गाड़ी में करेंगे। चलो पहले घर से निकल लेते हैं क्योंकि पहले ही बहुत हमेशा की तरह हम लेट हो गया और पिज़्ज़ा साढ़े नौ बज गया उठ के भी लेट रहे बेड पे उठते ही नहीं है। चल फटाफट आँख खोल के भी इधर उधर लेट से रहे रास्ते में खाने के लिए दो क्या क्या मतलब तो बताइए से मम्मी ने के गई है चल फटाफट चल मम्मी कब आऊं जी बता जी आजी बजटी ठीक है ये बात बढ़िया लग गए याद मत करिए मैंने हुचकी ना आनी चाहिए एक भी याद मत करिए मैंने हुचकी नहीं आनी चाहिए एक भी याद आवन हम को दे दे याद आवन के मैंने तो आकड़ी हो भी टंग दी थी ना ना बाजिया क्या है क्यों दे ही देखा करी सिर्फ शरीर की वजह से नहीं जा रहा ये ऐसे कह रहा है कोई मतलब नहीं मुझे इन चल ठीक है बाय दो दिन बाद वेट डे है चल ठीक है भाई है सुधरी डाल रही है ये मेरे को ताड़ने पे तुल रहा है। तो अभी हम घर से निकल लिए हैं आधा रास्ता हमने कवर कर लिया है 45 मिनट का रास्ता हमारा बचा है और देखो साइड में मैं आपको दिखाऊं सही में इन्होंने ना कहीं और की लोकेशन लगा रखी है मतलब गांव से थोड़ी पीछे की पटौदी की। मैं तो खुश हो रही थी कि अभी इतनी जल्दी पहुंच जाएंगे लेकिन लगभग एक घंटा लगेगा। ये सुल्तानपुर नेशनल पार्क है यहाँ पहुंच गए अभी हम यहाँ हम आए हुए हैं पहले एक वीडियो भी डाली थी ना चली नहीं है नहीं इसमें कुछ हमें लगा कुछ है इसमें क्या बोलते हैं उनको खेतों में मिलती है जो नील गाय हाँ नील गाय और अपनी देसी गाय बस ऐसा कुछ खास है ही नहीं हम आए तो थे कुछ खास देखने वो जू वाली चीजें थोड़ी मिलेगी तो हम जाएंगे पहले गुड़गांव से फिर अभी तो गुड़गांव तो क्रॉस कर लिया पटौदी आएगा अभी एक घंटा और लगेगा लगभग। तो चलो इतने कुछ बातें कर लेते हैं एक मतलब बात सोच के मेरे को वो हो रहा था कि काफी कमेंट्स आ रहे थे कि अभी आप डेली व्लॉग्स क्यों नहीं बना रहे चार पांच ही डाल रहे अब चार पांच दिन से क्यों नहीं डाल रहे। मेरे को सच में मतलब एक दिन डाल देते ना अगले दिन मेहनत नहीं करती अरे मेहनत की बात नहीं है अगले दिन ऐसा लग जाता है आज क्या अलग करूं वही कल जैसा ही हो जाएगा सब कुछ तो रूटीन तो मैं उसमें शॉर्ट में बता ही देती हूँ क्या बताऊं। और बोलते हैं कि है ना मतलब कई तो ऐसा बोलते हैं कि ये 10-12 मिनट का मत बनाया करो 25-30 मिनट का बनाया करो मैं 3 मिनट लगातार बोल के ये सोचने लग जाती हूँ अब आगे क्या बोलूं अभी क्या मतलब आगे और क्या इंक्लूड करूं इसमें और 25-30 मिनट तो मेरा आज तक का अभी तक का कोई व्लॉग नहीं है 25 मिनट का धीरे-धीरे बनाओगे तो अपने आप इंप्रूव हो जाएगी हैबिट ही नहीं है सही में। और बाकी जो ऐसी कोई लेटेस्ट अपडेट या कुछ भी होती है वो मैं शॉर्ट में शेयर कर ही देती हूँ और बस यही है नियत
भी आराम में आ जाती हूँ। तो घूमेंगे घूमेंगे ये नहीं बताऊंगी कहाँ घूमेंगे, आज तो आज का तो मैंने बता ही दिया है, आज का तो आप देख ही लोगे, बाकी एक दो दिन बाद फिर से कहीं अलग जगह पे जाएंगे, वो आप वीडियोस में जाएंगे, एक्साइट मत करो तुम लोग, जाएंगे कहीं तो जाएंगे होली पे, कहीं नहीं जाना है, जाना है। तो ये फलूदा खिला दो। हाँ रास्ते में इतनी भीड़ दिख नहीं रही, कहाँ भीड़ है, साइड में यहाँ लगाओ स्कूटी के पास, ऐसे इतने बताइयो, दो घंटे का रास्ता है ना, कौन बोरिंग बनाता है जी। तुम्हें घर से निकलते ही कुछ ना कुछ चाहिए ना, ऑरेंज लेके आए थे अपने, वो खा लो। ऑरेंज नहीं खाने, फलूदा खिला दो। हाँ खिलाऊं फलूदा, क्या हो रहा है, अच्छा नहीं होता फलूदा, अच्छा होता है वो बादाम फलूदा। हाँ कोई बादाम नहीं होता उसमें, कस्टर्ड होता है, मेरे को तो इतनी वो आई, मैं सोचा मैंने जब पहली बार ये बादाम फलूदा सोच के, और बादाम शेक वो लिया, कस्टर्ड था वो, मेरे नहीं ये बोले और तेने बादाम कौन देगो 40 रुपया में। तो चलो अभी आगे मिलते हैं, अब एक घंटे का रास्ता है, मैं एक घंटे थोड़ी ना ऐसे कुछ कुछ बोले जाऊंगी, मेरे को सच में इतना लगातार बोलने की हैबिट नहीं है, समझ में नहीं आता habit क्या बोलूं, बनाओ हैबिट, समझ नहीं आता क्या हुआ, थोड़ी देर में सोच लेती हूँ कि क्या बातें करनी है, फिर जब याद आ जाएगी ना, दो तीन बातें इकट्ठी हो जाएगी तो फिर से बोल लूंगी, ठीक है। तो रास्ते में मैं वीडियो एडिट करने लग गई थी अपनी, क्योंकि काफ़ी लंबा रास्ता था और काम भी मेरा पेंडिंग में था, तो सोची मैं इसको भी कंप्लीट कर लूँ, और अभी देखा तो बस मैं घर पहुँचने वाली हूँ सिर्फ 5 मिनट में, बस फिर 5 मिनट बाद घर पहुँचे और मम्मी से मिली, और गेट पे मेरी एक छोटी सी दोस्त भी मेरा इंतज़ार कर रही थी। उसके बाद का मैंने ज़्यादा कुछ वीडियो में रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि यार मैं खड़ी खड़ी तो गई थी, 11 बजे 11:12 बजे पहुँची थी, और बस 3-4 घंटे मेरे पास रुकने के लिए थे, शाम को ही मेरे को वापस आना था, तो सबसे बातें बातें की और थोड़ा बहुत कुछ खाया पिया, उसी में ही बस ऐसे ही वो 4-5 घंटे पता ही नहीं कब चले गए। तो मैंने बड़ी वीडियो का मैं कुछ कर नहीं पाई, ये शॉर्ट वीडियो की ही मैं कुछ क्लिप्स यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, और फिर बीच में हमने देखा कि परवीन जी के चैनल पर 100 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए थे, बहुत ज़्यादा खुशी हुई ये देख के। तो उसके बाद खाना वाना खाया और फिर परवीन जी को मेरे फ्रेंड ने गुलाल में बिल्कुल लाल कर दिया, वो फिर करने लगे अपना फेस साफ़। फिर मैं इतने मम्मी के साथ प्लॉट में चली गई, लेकिन प्लॉट का गेट खोलते ही भैंसों ने तो अपना ऐसा रूप दिखा दिया जैसे कि पता नहीं इंसान नहीं है क्या आ गया उनके सामने। मैं तो फिर उनको वहीं छोड़ के और हम घर आ गए, फिर सारी पैकिंग शैकिंग अपनी करके, मम्मी को बाय बोल के, दादी को बाय बोल के, और पापा उस टाइम घर पे थे नहीं, तो बस फिर शाम को हम अपने घर के लिए निकल लिए। तो अभी आज का पूरा दिन हम वहाँ पे स्पेंड करके, और देखो परवीन जी का हो गया है मस्त हाल, अब लग रही है कि होली आने वाली है, अच्छा ना लग रहा है, होली आने वाली है, बुरा ना मानो होली है। तो अभी हम घर जा रहे हैं दिल्ली वापस, टाइम हो गया है 5:30, लगभग 8 बजे तक, 7:45 बजे तक हम पहुंच जाएंगे। सकरात ले आवन के, तो सकरात चिकनी चुपड़ी बस भाई प्लेन नहीं सी, आवी सी किसी आवी सी बर्फी भी तो रल के प्योर माल आ गई भाई दुकाना को माल खाओ गुणो, इतना सारा ने हम तो सब खा लिया, हमने तो वेट लॉस करना है, सबसे ज्यादा ये चलता ये सूट साड़ी इनकी, साड़ी ले ली ये
ஒளி இல்லாமல் இலங்கைக்கள் பாய்.